41। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको मैंने अभी पिछले व्लॉग में बताया कि अभी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और अपने पीछे देख सकते हैं जैसे कि R15 एंड CBR 150। तो दोनों 150 cc की कैटेगरी में दोनों बाइकें हैं। वो है पीछे वाली BS3 एंड ये वाली है BS6 और वो 9 साल 8 साल पुरानी बाइक है और ये अभी ब्रांड न्यू 1 महीना हुआ है। तो इन दोनों में बाइक करते हैं और इसका थोड़ा पावर एंड टॉर्क ज़्यादा है, उसका थोड़ा कम है, बट उस पर पुरानी बाइक है तो उसका देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपके सामने होगा। तो सीधे मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग के सेटअप में। और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो भाई ड्रैग रेस करेंगे हम लोग और सीधा बताएंगे कि कौन सी बाइकें निकलती। तो पीछे चलाएंगे दानिश भाई और आगे चलाएगा अंशु मोटो व्लॉग, क्योंकि मैं नहीं चला रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो दोनों गाड़ियों को एक बार आपको ओवर ऑफ लुक दिखा देता हूँ। देखते हैं R15M जैसे बहुत ही ज़्यादा मैंने इसका ड्रैग रेस 16 एनिवर्सरी एडिशन, ये एकदम न्यू है 155 cc की सेगमेंट में R15 की सबसे ज़्यादा और 200 cc को टक्कर देने वाली बाइक है। और एक पीछे आ जाती है CBR 150 और ये पुरानी है भाई, 9 साल 10 साल है पुरानी, तो इसमें कुछ पावर तो होगी होगी। और BS3 एक तो अब BS6 है, तो भाई वैसे ही आप देख सकते हैं। और तो भाई चलते हैं और ड्रैग रेस करते हैं और देखते हैं टॉप एंड क्या निकलता है भाई, रिजल्ट क्या आ रहा है। और शायद यूट्यूब में पहला ही कॉन्टेंट होगा कि जो CBR 150 वर्सेज R15M का वीडियो आएगी। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं व्लॉगिंग से। गाड़ी हमारे सामने जैसे कि दिख रही है आपको, दोनों गाड़ियाँ आ चुकी है, एक तो यमा की है एक होंडा की है। तो भाई ये भी पावर मज़ा आता है भाई, दो कैटेगरी की बाइकों को भाई लड़ाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को जैसे कि। तो दोनों बाइकें हमारे सामने हैं और आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, एकदम प्योर रोड्स खाली, एकदम सेफ्टी से कर रहे हैं दोनों लोग, हेलमेट भी वियर है और ग्लव्स भी। तो सीधे आप लोग को मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पर। पहले पिकअप में मेरी बाइक निकली और उधर V3। सबसे पहले पिकअप में मेरी बाइक निकली और उधर V3। तो CBR 150 विन हो गई है और पीछे रह गई जैसा कि आप देख सकते हो। और इसकी परफॉर्मेंस तो भैया भाई एक नंबर है, 141 भाई, बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ये इसको टॉप एंड में भी टक्कर दे जाएगी, क्योंकि इसका मीटर का एरर कम हो गया है। अभी राइडर स्विच करते हैं, अब मैं ये चलाऊंगा एंड भाई वो चलाएंगे। चलिए अब मैं इस पर मिलता हूँ डायरेक्ट आपको। स्विच कर लिया है और तो मैं अब मैं आ चुका हूँ होंडा CBR 150 पे, तो अब मैं ये चलाऊंगा भाई। और भाई बाइक बहुत एग्रेसिव लग रही है, कोई शिफ्टर भी दिया है इस बाइक में। Beep beep.
गाइस जैसा कि आपने देखा भाई अपनी वैम्पायर निकल जा रही है कि आपने देखा कि सीबीआर जीती है। और भाई जानी साहब बताओ कितना गई थी भाई 143 तक आराम से चली गई थी। देख सकते भाई मतलब सीबीआर में पावर है। और भाई 200 cc की हराने वाली बाइकों में से 150 cc को हरा पाई इस बार। तो भाई एक तो बेकार लगा उधर से तो अभी और उसके मीटर में एरर भी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये अगर 143 गई तो आरएस का 150 बराबर है उसका। देख सकते भाई मतलब मजा आ गया भाई वीडियो में। अगर मजा आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।